Vivo 25,000 रुपीस में कलर चेंजिंग फोन को लॉन्च कर दिया है Vivo Y100। लेकिन इसी प्राइस में Vivo का V सीरीज का दमदार स्मार्टफोन है जो कि तबाही मचा रहा है मार्केट में, Vivo V25। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन में बैक साइड की तरफ कलर चेंजिंग बैक पैनल दिया है। दोनों ही फोन में कलर चेंज होता है दोस्तों। दोनों ही फोन में बैक साइड की तरफ हाई क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट यूज किया है, उसके वजह से ज्यादा हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह नहीं आएगा। लेकिन Vivo Y100 में कैमरा के चारों ओर एक जो बॉक्स का डिजाइन दिया है वहां पे ज्यादा हाथों का निशान वगैरह आ जाता है। तो डिजाइन में दोनों ही फोन विनर रहता है, डिजाइन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बात किया जाए परफॉर्मेंस में, दोनों ही फोन में MediaTek का Dimensity 900 चिपसेट मिलता है, लेकिन जो अंतुदु स्कोर है वो अलग अलग है। Vivo Y100 में 4,47,000 अंतुदु स्कोर आता है और Vivo V25 में थोड़ा सा कम 4,21,000 के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों का ही बेटर है। मैंने Vivo Y100 में PUBG वगैरह खेला था, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शानदार चलता है, नहीं तो कोई लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं है। मैं स्मूथ एक्सट्रीम करके भी खेला हूँ और HDR अल्ट्रा करके भी खेला हूँ। HDR अल्ट्रा करने के बाद ग्राफिक्स वगैरह इंक्रीज हो जाता है, लेकिन शानदार एक्सपीरियंस मिलता है, लैगिंग इशू नहीं है। और 40 के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। मैं कंटिन्यू 3-4 घंटे के बाद ये टेम्परेचर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। Vivo V25 में भी मैं गेम खेला हूँ, यहाँ पे भी शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इवन Vivo V25 का मैं वाटर टेस्ट भी किया था, तो वाटर टेस्ट के बाद Vivo V25 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, शानदार चल रहा था। अगर आप लोगों को वाटर टेस्ट वीडियो देखना हो, कार्ड में लिंक ऐड कर दूंगा, वो वीडियो जरूर एक बार चेक कर लेना। दोनों ही फोन में 4500mAh का बैटरी देखने को मिलता है। स्क्रीन ऑन टाइम आप जिस तरीके से यूज करोगे उसी तरीके से देगा। मेरा कहने का मतलब है अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो 5-6 घंटे के आसपास देगा, लेकिन उसी जगह में वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखे हो तो 4.5 घंटे के आसपास देगा। लेकिन उसी जगह में नॉर्मल यूज करोगे, डे टू लाइफ यूज करोगे, एक दिन आराम से निकाल देगा, दिक्कत नहीं होगा। दोनों ही फोन में 44 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है। दोनों ही फोन फुल चार्ज होने के लिए लगभग 1 घंटे के आसपास लगता है। दोनों ही फोन का मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया हूं और बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी किया हूं। अगर आप लोगों को वो सारे वीडियो देखना हो, कार्ड में लिंक ऐड कर दूंगा, वो सारे वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। Vivo V25 में 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो Vivo Y100 से स्लाइटली बड़ा डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, मूवी देखने का एक्सपीरियंस यहां पे बढ़िया रहने वाला है। 90Hz का रिफ्रेश रेट यहां पे देखने को मिलता है और आउटडोर ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। Vivo Y100 में 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहां पे थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है, यहां पे भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, मूवी वगैरह यहां पे भी अच्छा खासा देख पाओगे, दिक्कत नहीं होगा और इसका आउटडोर ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट। चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। Vivo V25 में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का थर्ड सेंसर, 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है। उसी जगह में Vivo Y100 में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा है, 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ आता है, 2MP का डेप्थ और 2MP का थर्ड सेंसर, 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। देखिए दोस्त, दोनों का ही जो पिक्चर क्वालिटी है वो शानदार है, चाहे वो डिटेलिंग के बारे में बोलो या डायनामिक रेंज के बारे में बोलो या कुछ फ्लावर का पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में बोल लो, हर एक सिचुएशन में दोनों ही फोन शानदार परफॉर्मेंस करता है। लेकिन कुछ कुछ माइनर जगह में Vivo V25 स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस कर जाता है। सेल्फी कैमरा में भी दोनों ही फोन शानदार परफॉर्मेंस करता है। दोनों ही फोन में एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छा है, बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट वगैरह दोनों ही फोन शानदार मेंटेन करता है। दोनों ही फोन का रैम मैनेजमेंट बढ़िया है, जिस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह जल्दी जल्दी ओपन होता है उसी तरीके से हर एक एप्लीकेशन रैम में रहता भी है। दोनों ही फोन में 8GB 128GB वेरिएंट मिलता है। Vivo V25 का जो 8GB 128GB वेरिएंट वो 28,000 रुपीस में मिलता है। Vivo Y100 का जो 8GB 128GB वेरिएंट 25,000 रुपीस में मिलता है। देखिए दोस्त, Vivo Y100 थोड़ा सा सस्ता फोन है, तो उसके वजह से मैं कहूंगा अगर आपका बजट टाइट है तो Vivo Y100 को ही लीजिए, अपग्रेडेड फोन है, बढ़िया फोन है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा प्राइस ज्यादा डाल सकते हो, Vivo V25 मत खरीदो, क्योंकि Vivo V25 का सक्सेसर आ रहा है, एक महीने के अंदर आ जाएगा Vivo V27 आ रहा है, शानदार स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन के पास एक बार जरूर चेक करना, वो स्मार्टफोन खरीदना, इससे बेटर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं हर एक डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।